दोस्तों दोस्तों आपका हमारे चैनल ए आर अनबॉक्स पे स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एडाफिस के नए गोरिल्ला पार्ट की, जिसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स, उसकी प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी कैसे है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को आरंभ करते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स। अगर बॉक्स पर मेंशन हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड। उसके साथ साथ ये इसका बॉल माउंट है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर हम इसके दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर आपको दिखाएं यहाँ पर इसकी प्राइसिंग मेंशन की गई है 1699। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको बताएंगे इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है। और आपको बताएं तो एडाफिस का कैमरा फ्लेक्सिबल मोबाइल होल्डर है। अगर इसके हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपको इस किस किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, किन किन कंडीशन में। उसके साथ ही ये आपके सेलफोन में, आपके DSLR या आपके पास कोई एक्शन कैमरा जैसे GoPro हो तो आप उसमें यूज कर सकते हो। उसके साथ ही जब आप इसको परचेज करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला कि आप या तो इसके साथ फ़ोन होल्डर चूज करो या GoPro क्लिप लो। तो हमने इसके हमको फ़ोन में यूज करना है तो हम इसके साथ फ़ोन होल्डर चूज किए हैं। अब आइए दोस्तों हम अपने बॉक्स को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। आप लोग को दिखाएं तो इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। ये हमारा मोबाइल होल्डर है जिसको हमको इसमें माउंट करना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ये इस तरह से स्ट्रेच होता है, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। उसके साथ साथ अगर हम इसको ओपन करें तो भारी बहुत है, इसका वज़न कुछ ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार दिखता है ये। और ये इसका ऊपर ये इसका बॉल हेड है, और हम इसको दिखाएं तो ये यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो अब आप अगर आपको कोई एक्शन कैमरा या DSLR यूज करना है तो DSLR में ये इसका जैक होता है, उसमें लगाकर अब आप इस पर ऊपर DSLR माउंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें मोबाइल फ़ोन यूज करना है तो ये आपको ये बॉल हेड माउंट कर देना है। बॉल हेड माउंट करने के बाद अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो आपके अपने मोबाइल होल्डर को इसमें यहाँ पर लगाना होगा। हम आपको इस पर सेट करके दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं आप इसका एंगल, तो आपको इसको यहाँ से ढीला करके इसको अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से ऊपर कर लेना है। तो हम आपको अभी एकदम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये इसमें मोबाइल होल्डर भी लग चुका है ये। अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। हैंड्स ऑन फील भी इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसके साथ साथ ये इसके जो लेग्स हैं ये काफ़ी हार्ड हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। आप इसको अपने यूज के हिसाब से किसी भी तरह से ऐसे घुमा सकते हो, जिस भी तरह से आपको जहाँ पर माउंट करना है उस हिसाब से इनको तीनों को आप अलग कर सकते हो। उसके साथ ही बताएँ अगर ऊपर की बात करें तो इसका बॉल माउंट है, जहाँ से भी आप इसको ढीला करके इसको भी एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं जिस हिसाब से करना है। और इसके साथ ही ये इसका जो अपर पार्ट है ये भी मूव हो सकता है, आप इसको भी मूव कर सकते हैं आपको जिस डायरेक्शन में करना है। इसके साथ हम बताएं तो ये एक तरीके से और माउंट हो सकता है। अगर आप में हम बताएं अगर इसको हम बाल माउंट को निकाल दें इसके ऊपर से और हमको खाली मोबाइल होल्डर ही माउंट करना है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ से आपका ये मोबाइल होल्डर केवल माउंट हो जाएगा इसमें, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा बिना बाल माउंट के। अब आप लोग देखिए इसको ये इस प्रकार से दिखेगा जब आप इसमें बाल माउंट निकाल देंगे। तो ये साइड टिकटॉक वीडियो अगर आपको बनाना है तो आपको अपने फ़ोन को सीधा रखना होगा, तो अपने फ़ोन को ऐसे खड़ा करके स्ट्रेट में लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपको इस बॉल हेड को लगा के ही तब मोबाइल फ़ोन को लगाना होगा। हम आपको दोनों डायरेक्शन में दिखाते हैं कि मोबाइल फ़ोन लगाने के बाद ये कैसा दिखेगा। दोस्तों अगर आप इसको बिना बॉल हेड के माउंट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से माउंट होगा और आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको बॉल हेड के साथ माउंट करेंगे तो हम आपको दिखाएं, बॉल हेड के साथ माउंट करने पे आप लोग को हम दिखाएं तो देखिए आप लोग कुछ इस तरह से दिखता है। आप इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो हम आपको बताते हैं आप कुछ इस प्रकार से इसको पकड़ के आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको बताएं हम अगर आपको इसका एंगल आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, इस एंगल पर करना है, आप लोग इसको ढीला करके सेट करिए, उसके बाद इसको बस यहाँ से टाइट कर दीजिएगा, ये ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो हमने इसको अमेजोन से परचेज किया तो हमें ये 640 रुपये का मिला। आप भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसके बात करें वारंटी की, जिसकी कोई वारंटी नहीं है, बस 10 दिन की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी हमारे चैनल पे हमने एक कुछ दिन पहले गोरिल्ला पार्ट की अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो ऊपर हम आई बटन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।